हाँ वेलकम गाइस, स्क्रीन पे दिए हुए साइट पे विजिट करें। यहाँ से आप किसी भी राज्य का चालान जमा कर सकते हैं बहुत इजीली, या फिर गूगल में टाइप करिए वर्चुअल चालान कोर्ट और आपको कुछ भी ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको यहीं जो आपकी स्क्रीन पे साइट दिखाई गई थी वहीं पे ले जाएगा। तो लेट मी शो यू, ये देखिए। और देखिए हम वर्चुअल कोर्ट करके आए, यहाँ से किसी भी स्टेट का आप चालान जमा कर सकते हो। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है, चूज़ करेंगे यहाँ पर स्टेट वाइज। तो मैं यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसको क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोसीड करने के लिए। यहाँ मैं प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर, सीएनआर नंबर, पार्टी नेम एंड चालान या व्हीकल नंबर। तो यहाँ पे मुझे चालान नंबर या व्हीकल नंबर भरना ज़्यादा ईजी है तो मैं यही चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं व्हीकल नंबर डाल लूँगा। तो यहाँ पे देखिए व्हीकल नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा आ रहा है तो इसको आप फिल कर लें और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए सबमिट पे क्लिक कर दिया, इसके बाद देखेंगे कि ये दोबारा से कैप्चा फिल करने के लिए बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे आपको रिकॉर्ड वन दिख रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका चालान का डिटेल रहेगा। देखिए यहाँ पे केस नंबर, चालान नंबर, पार्टी नेम और मोबाइल नंबर और भी सारा डिटेल, क्या ऑफेंस है, किस वजह से आपका चालान कटा है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन भी दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये आपको और भी डिटेल दिखाएगा जो भी चालान का है, यहाँ लगभग सभी सेम डिटेल है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आई विश टू पे द प्रपोज्ड फाइन, भरने के लिए फर्स्ट पे क्लिक कर दें। अगर आपको गलत लग रहा है तो केस लड़ना चाहते हैं तो आई विश टू कॉन्टेस्ट द केस, सेकंड पे क्लिक कर लें। अगर मोबाइल नंबर या नेम या कुछ और गड़बड़ है तो आप ये सेकेंड और थर्ड नंबर के ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। चालान भरने के लिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें नीचे जिस पे चालान है वो मोबाइल नंबर आ जाएगा और इसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके हम इसमें ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ आपको आप दो ऑप्शन दिखेंगे, इन दोनों पे क्लिक करना है, आई एग्री टू और यहाँ पे आई हैव अंडरस्टूड वाले पे, दोनों पे क्लिक करके हम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे करने का हमारा चालान। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया और वर्चुअल कोड ये आपको और आगे ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे आगे। ये यहाँ पे और भी ऑप्शन है, नीचे देखेंगे 100 रुपये का चालान दिखा रहा है, तो डेबिट कार्ड और यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे सबसे इजी मुझे यूपीआई लग रहा है तो मैं यूपीआई चूज़ करके अपना यहाँ पे इंटर यूपीआई आईडी इसमें फिल करूँगा और फिर वेरीफाई भी करूँगा। और यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड भी ओपन कर सकते हैं, जैसे स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ अपनी, तो ये देखिए यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दी और यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी ब्लू कलर का जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेट करेगा कि हाँ ये करेक्ट है। और इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दें, अपनी यूपीआई ऐप पे जाएं, वहाँ पर आपको ई कोड करके पार्टी का नाम दिखेगा, उसको पे कर दें जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कर दिया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जहां से हमने चालान भरा था उसी साइट पे वापस जाएंगे, वहां देखेंगे कि आपका चालान जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, भर चुका है। इस पेज का प्रिंट आउट ले लें और आप इसे अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं, साइट पे तो सेव रहेगा ही। इसके अलावा आप इसे अपने व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन चालान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।